Uh, मैं ये कह रहा था मैंने कहा जो आप लोगों के बाइकिंग ट्रिप्स होते हैं ना अक्सर जो वापस आते हैं ना मैं मोहसिन हम सुन रहे होते हैं ना

यार तो आज अच्छा आज आज माशाल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आ, हम <coughs> आज लाइव हैं ओके जी माशाल्लाह बहुत सारे कमेंट्स हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेला ब्लेस यू ऑल जी बारकुम फ्रॉम हॉन्ग कॉन्ग अल्लाह सोल्जर कह रहे हैं फ्रॉम हॉन्ग कॉन्ग माशाल्लाह माशा आज फुरम भाई भी हैं जी हमेशा ही होते हैं आज तो नहीं पिछले एक दो एपिसोड से नहीं था साद भाई इनका नाम साद नहीं है इनका नाम है अबू साद

कि मुझे मैं भूल चुका हूँ सब कुछ करें। मैंने खुद की तफसीर पढ़ाई है मल्टीपल टाइम्स लेकिन रो, वो जब इंसान तीन चार महीने बाद दोबारा नोट्स खोलता है ना और उसके बाद तफसीर पढ़ने के बाद जो आते है पढ़ने का मजा आता है नमाज में उसका अजीब किसी को फायदा हो ना हो ना मुझे होता है हम अपनी तैयारी करके आते हैं और डिस्कशन और फिर यहाँ पे एक दूसरे के ओपिनियंस लेकर तो बंदा यहाँ से उठता है

इवन so, 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 yeah. आप बैठे सलाम आपके साथ बैठे हुए हैं और जिबरी आज वो दरवाजा खोला है आसमान से जो आज तक कभी नहीं खोला हुँ. और वो फरिश्ता आ रहा है जो आज तक नहीं होता और मैं आपको बशार देता हूँ आपको दो नूर और वो फरिश्ता जो आया था आपको दो नूरों की बशारत है एक सूरह फातिहा

और कहते मैं जब एयरपोर्ट से लैंड किया दिस इज लाइक रियल स्टोरी और कहते मैं जब उमरे पे गया हज पे बन गया हज था, पे गए थे, थे और कहते मैं जब एयरपोर्ट पे जैसी लैंड किया ना तो कहते मुझे इतना शदीद फीवर सख्त किस्म का बुखार हुआ और कहते मैं मतलब उम्र भी नहीं कर सका और आई वाज हॉस्पिटलाइज और आई डोंट नो कितने डेज ही वो हॉस्पिटल कहते मेरा फीवर नहीं आ रहा और कहते जो हेपेटाइटिस आई थिंक उसके जो टेस्ट चेस करा है तो, रहे। रहे। तो वो निकलो कहते के तो हाई नंबर्स थे मतलब डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही कि यार एक बंदा जो बिल्कुल ठीक ट्रेवल कर रहा था अचानक से हो क्या गया और कहते हैं वो ट्राई कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कहते हैं नहीं कुछ हो रहा कहते हैं एक दिन मुझे किसी ने कहा uh, कि यार आप दम करें सिर्फ आते है कि करे। तो के दम करें तो कहते मैंने खुद अपने ऊपर जो मैं थोड़ा सा बेटर फील किया आई गेट द दम ऑन माय सेल्फ और कहते आई स्टार्टेड टू फील बेटर और कहते अगले दिन मेरा जब दोबारा टेस्ट किया

इट्स मोर देन वन मीनिंग अच्छा द थिंग इज दैट अगर हम अपने आप से पूछें कि यार व्हाई आर वी थैंकिंग हिम थैंक्स तो आप उसी बंदे को कहते हैं कि जिसने इन फेवर आपको कुछ ना कुछ दिया हो hmm. ठीक है इन रिटर्न यू से थैंक यू अच्छा बात ये आती है कि अलहमद के अंदर थोड़ा hmm. सा मैं इसको थोड़ा ना अरबिक टच दूंगा ताकि थोड़ा सा हम इसको इंजॉय करें hmm.

कार वॉज प्लेइंग सो प्लेइंग जो भी फेल हो रहा है उसके साथ है. Hmm. खेल रहे हैं hmm. जो है कार ड्राइव कर रहे हैं अच्छा noun, noun, जो होता है ना दैट इज टाइमलेस देर इज नो कोई टाइम बाउंड नहीं है फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इसमें कोई टाइम फैक्टर hmm. नहीं है फ्यूचर hmm. की बात की जाए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक एप्पल बंदा कह रहा है कोई hmm. भी नाउन कह रहा है उसमें कोई दूर ही नहीं है। hmm. तो इसका मतलब है, when we say, Alhamdulillah, Allah की जो प्रेज है ना दैट इज लिमिटलेस दैट इज टाइम लेस देर इज नो बाउंड्री टू दैट ऐसा नहीं कि ताला की अल्लाह तला की हमद पास्ट में थी अब नहीं है या अब है फ्यूचर में नहीं होगी अल्लाह तला की हमद पहले भी थी hmm. अभी भी है और हमेशा हमेशा रहेगी और उससे यानी इतनी जबरदस्त बात है हम यही यकीन करें। आखिरा। ब्रो, अगर हम यही यही यकीन यकीन करें करें अल्लाह समझ ना अच्छा अब यहां से देखें ये कुरान मजीद की पहली आयत का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा है अल्लाह शुरू में ही अपने आप जो है ना अपने बारे में बता रहे हैं कि you got it all wrong, brother. हम तुम क्या सोचते क्या हो तुम कि ये नि, ये नि तुम समझते हो नमाजें पढ़ ली हाँ। तुमने कुछ अगर नेक अमल कर अल्लाह की प्रेज है अल्लाह तुम तो क्या जब कुछ भी नहीं था ना अच्छा सबसे पहले क्या बना था यानी कायनात में खलकत में आपको मालूम है सबसे पहले जो था ना कलम भी नहीं था सबसे पहले अल्लाह तरश था और पानी था और कुछ भी नहीं था आर्श और पानी था अल्लाह की सब कुछ लिख दिया हर चीज यानी उसके बाद खलकत हुई तो यानी अल्लाह तेस तब भी थी जब इवन अर्शर पानी भी नहीं था जैसे अल्लाह की प्रेस थी और अल्लाह की प्रेस तब भी होगी जब

हाँ। सब कुछ अल्लाह ताला की मतलब हाँ। है इसी के अंदर एक सेंस है कि मेरे पास भी सब कुछ जो है ना भी अल्लाह तो, अल्ला। अल्ला। तो जो कुछ मैं चीजें है रहा थिंग जो मेरे लिए दुनिया में किसी फॉर्म में भी असाइश है वो भी अल्लाह ती भी है तो इसलिए ग्रेटिट्यूड जाए और करना और ये आप जब पढ़ रहे हो ना तो इसमें ये भी इसकी बंदा शुक्र यारनी चाहिए ना अलहमदल मुझे फीलिंग नहीं आई तो मैं बार बार पढ़ू नमाज गलत नहीं होती आपकी आयत को दोबारा नहीं पढ़ सकते नमाज खराब हो जाएगी हालांकि सुन्नत थी बार बार तो जब तो फीलिंग ना आया का जो भी है ना

तो कुरान मजीद जब आप पढ़ रहे हो ना आप करेक्ट में फायम रहा हूँ कुरान मजीद में आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा एहमदू अल्लाह त हम बयान करो यू नो बाय अल्लाह तला ने ये प्रिवलेज आपको दिया ही नहीं है इसका मतलब ही अगर ताला है अगर अल्लाह तला कहते हैं ना ये इसका मतलब भी होता कि देर वर टू पॉसिबिलिटीज आप करते भी और पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप उसकी हमद ना बयान करते और ना करते तो शायद حمد होती ही होती होती ना हो सकती अल्लाह ताला ने ये आपको प्रिविलेज दी नहीं बोलते हैं तुम حمد बयान करो ना करो हु आर यू अल्लाह सबहकल्लाहि मा फिस्समावाती वमा फिलअर्ध अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि يسجدو من في السماوات والارض

जो आसमान है ना वो चीखते और चिल्लाता है और एक चार उन के बराबर भी फरिश्ते नहीं है जो रुकू, और कर रहे हैं। क्यामत के दिन तक वो, वो सजदे और रुकू कर रहे हैं जब अल्लाह ताला उनको अपना दीदार कराएंगे ना तो जब वो अपने सजदे से शुरू से लेके आखिर तक अल्लाह की हमद सुना विदाउट एनी रेस्ट कर रहे हैं जब अल्लाह ताला को देखेंगे ना वो क्या उठेंगे कि अल्लाह हमने तेरे हमसे बयान नहीं की जो वो वो हाँ। इल्ला यार, ये बंदा सोचे तो सही आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं है मगर वहाँ पे एक फरिश्ता है और सजदा कर रहा है इसलिए मोमिन की जो लाइफ है ना वो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना वो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए अल्लाह की याद होनी This चाहिए नॉलेजमेंट और ये इसको अंडरस्टैंडिंग ना एक्जेक्टली कि व्हाई द प्लेस एक्जेक्टली और हर चीज अगर अल्लाह तआला की तारीफ बयान कर रही है नॉन स्टॉप और इस्लाम ने कहा कि यार कोई एक ज्यादा नहीं है जहां पे सजदा रीज ना मतलब इससे ज्यादा मतलब हमारी लाइफ शुड बी रिवॉल्व अराउंड दैट हां एग्जैक्टली दिस शुड बी अ कॉन्शियस थिंग हम लोग शुक्र की जो स्टेट है ना दैट इज अ कांस्टेंट स्टेट बिकॉज़ हम हर लम्हे हर सेकंड

तो वो अल्लाह की तारीफ है ही तो है लेकिन वो शख्स एलिवेट हो जाता है रैंक में जो अपनी जिंदगी का आगाज भी से करता है और अखताम भी आगाज देखे ना शुरू के कुरान अलहमद है और जब जन्नती जो है ना जन्नत पहुंच जाएंगी और सब मामला सॉल्टर हो जाएगा वो उनके जो आखिरी अल्फाज होंगे ना वो भी ये होंगे अलहमद और जब जन्नत में एंटर होंगे तो जन्नत का जो बिगनिंग है वो क्या है अलहमद

हम नहीं कर लेकिन दफा हम हाँ। समझ के पा रहे हर रकत में पढ़ रहे हैं नमाज में उसके बाद अगर वैसे भी दिन में मौका मिलता है बट उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है आज हमारी कोशिश यही है की इसमें अल्लाह ताला लग कहते हैं कसम तो सलाती भाई नहीं वो भाई नाम अच्छा इसको नहीं कहा कसम तो सूरत अल-फातिहा <laughs> इसमें कहा कि कसम इसको नमाज कहा असलात कहा कि नमाज है ही सूरत फातिहा बहनी व बहना अब्दी अपने और बंदे के बीच में इज़ा क़ाल नस्मैन आधी आधी कर दिया इज़ा क़ाल अल अब्द

वज़ू करते हो ना और नमाज पढ़ते हो तो रखते अदा करते हो अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को मिटा देता है अब अगर कोई बंदा गुनाह करके ना फॉर एग्जांपल किसी, कोई किसी कोई को कोई एडिक्शन किसी से जना किसी ने कोई फिलदी चीज वीडियोस देखी वो किसी ने शराब पी ली वो घर आया उसको रिमोट रिगरेट फील हुआ है किसी ने किसी पर जुल्म को डाका डाल दिया वो अगर वजू करके अल्लाह अकबर कहे और कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन

इला है बिल्कुल ऐसे ही तो, तो वो तो खैर एक पूरा अल्लाह कहता है कि वर्ड अजीब है अच्छा अब रब के बारे में ना मैं थोड़ा सा जल्दी-जल्दी चलेंगे ताकि यार हाँ। हम कवर करें आई डोंट वांट टू मिस दैट यार यकीन <laughs> करें इतने जेम्स हैं आई जस्ट वांट टू लिसन टू इट अच्छा रब के बारे में पांच बेसिकली मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि जनरली इसके ट्रांसलेशन की जाती है कि पालने वाला ठीक है अच्छा यहाँ पे दो मीनिंग्स में जो है इन शेयर करूंगा एक तो यह है कि अलकैम रब के मानी के अंदर अलकैम भी आता है वन मेंटेन्स एवरीथिंग इट इज़ एज इफ आप देखें कि हम इंसान है ना सुबह से लेकर रात तक अभी तक शाम तक हमने अपने काम काज किए काम पे गए खेल कूद में जो है अपना टाइम गुजारा लेकिन हमें एक लम्हे के लिए भी कोई टेंशन हुई कि यार हमारी सांस प्रॉपर आ रही है या हमें देखने में कोई हमें एफर्ट करके जो है कोई चीज अगर हमने वो देखना है yeah. आंखें भी नॉर्मल काम करती जा रही हैं yeah. और हार्ट्स आर पंपिंग और किडनीज अ लिवर्स आर वर्किंग और ब्लड फ्लो अपने हमारे सर से लेके नीचे तक जाई जा रहा है हुज मेंटेनिंग इट यानी अगर, अगर अल्लाह ताला इसको ना मेंटेन करते हुए yeah. हो हम लोग खड़े नहीं हो सकते एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अब yeah. देखिए आगे आता है रब के मानी के अंदर आता है अल मुनइम yeah. का मतलब होता है the giver of gifts, hmm. जो देता है ठीक है इनाम करता है हमें ही बताया जा रहा है ऐ मेरे बंदे हर चीज जो तेरे पास है ना इस फ्रॉम मी मेरी तरफ से है और इसमें देखें अगर इसको हम समझ जाए थोड़ा सा और आगे चलें गिफ्ट वो होता है ब्रदर कि देने वाला अपनी विल से दे रहा होता है बिल्कुल ठीक है अदरवाइज मैं आपसे मांग नहीं सकता हूं अगर मैं आपसे मांगू मैं मांगूंगा तब भी फॉर एग्जाम्पल दस घंटे लगाए हैं काम किया है एक महीना काम किया है फिर वो गिफ्ट नहीं कहलाया जाएगा दैट वुड बी कम्पनसेशन ठीक है मैंने काम किया है मुझे मेरे पैसे दो तो अनलाइक गिफ्ट गिफ्ट जो है देने वाला अपनी मर्जी से दे रहा होता है जो बंदा दूसरी साइड पे होता है ना वो मांग नहीं सकता और उसके ऊपर री वेरी प्रोफाउंड अगर वो गिफ्ट ना दे तो बंदा जो है पूछ भी सकता, नहीं दिया नहीं कर सकता कि हाँ। आपने मुझे क्यों नहीं दिया हाँ। अब देखें सुबह पहली आयत है अल्लाह ताला ने यकीन करे खोल खोल कर बता दी कि तुम्हारी क्या औकात है वेर आर यू स्टैंडिंग और आलमीन कैसे होते हैं अब देखें हम मुसलमानों की बात करें बाकी नॉन मुस्लिम की तो हम बात ही नहीं कर रहे हम लोग बार बार शिकवा करते हैं अल्लाह ताला से hmm. या अल्लाह मैंने थोड़ी बहुत अगर नमाजें भी मैंने पढ़ ली कि मैं अब जो है मैं नेक नयाल भी कर रहा हूँ hmm. और भी स्टार्ट क्वेश्चन जो दुआ मांग रहा वो कबूल क्यों नहीं हो रही hmm. और मेरे साथ इतनी मेरे ऊपर इतनी परेशानियां आ रही है मुसीबतें आ रही हैं और यू नो इतनी चीजें जहन में चल रही होती है उसकी एक्नॉलेज किया यार गिफ्ट की अगर बात की देखें होता क्या है कि देखें अगर मैं आपको एक कोई भी चीज दे दूं अमूमन होता है कि लोग ना प्राइस टैग रिमूव कर देते हैं ठीक है बताने के लिए के कि कि यानी यार दिस गिफ्ट इज वेरी प्रेशियस कई गिफ्ट्स होते हैं आपको देखने से ही पता चल जाता है हुँ. अब आप मुझे बताएं अल्लाह ताला की एक एक नेमत ब्रो, ब्रो आप काउंट करें हुँ. टांग की बात कर लें हाथ की बात कर लें आंखों की बात कर लें ईच नेमा इफ यू विल पॉन्डर ऑन इट यकीन करें इट इज प्राइसलेस इवन ये तो चीजें नजर आती है ना जो चीजें नजर नहीं भी आती फॉर एग्जाम्पल

ये दुनिया जल के राख हो जाए कभी तो अल्लाह ने कहा ना है आलमीन आलम के अंदर अल्लाह ने कहा कोई चीज रह नहीं जाएगी हाँ। सब कुछ मतलब हाँ। सिर्फ आलम ये दुनिया नहीं हमारी हाँ। आलम में डिफरेंट किस्म के तफसीर में आता है है कि डिफरेंट 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 आलम चीजों के इंसानों के अपने जिन्हात के अपने इस तरह डिफरेंट ट्राइब्स भी होती है इंसानों की भी डिफरेंट किस्में आप चूंटियां ले लें चूंटियों के हजारों किस्में हमें पता ही नहीं रब सब का रब सब सब बनाने वाला सबको चलाने वाला सबको में ना ये भी आता है कि रब सिर्फ हम कहते हैं बैत

लेकिन अल्लाह ताला खालिक भी है और मालिक भी है और तीसरी चीज़ मुदब्बिर भी, भी करता है, है।, है और नर्च भी करता है चला भी रहा है और किस तरह चला रहा है अल्लाह अकबर अगर हम सिर्फ यानी कुरान की आयात पे और सूरतों के नाम पे फिर अन आम सूर बकरा बकरा क्या है यानी अल्लाह तला से उसके खून और गोबर के बीच में से हमें खालिस दूध देते हैं लबरन खालिसा जो इंसान पीता है ब्रो कैन वी इमेजिन यानी हम इंसान कितनी दो नंबरी करते हैं कितनी मिलावट करते हैं और हम इंसानों ने का सबूत दे देते हैं कि हम इंसान हैं मगर भैंस ब्रो आज तक इन भैंसों ने दूध बनाना छोड़ा है तो लेकिन मतलब नाफरमानी की है अतात ने इंसान जो है ना बेचारा नाफरमानी करता है वो नाफरमानी करे और फिर

उसको वही किया कि तुम पहाड़ों में भी घर बनाओ और दरख्तों में बनाओ okay. और छप्पर में भी बनाओ ये जो, जो, जो बुशेस होती है और सुबह और हर किसी को नहीं सब पहाड़ों में बनाओ

<laughs> <यानि बड़ा laughs> वेरी मर्सीफुल अच्छा, मतलब होता है तो अल्लाह mm. एक ही रूटवर्ड है, तो, अच्छा, mm. है ना ब्रो इसे कहते हैं बोला यार अच्छा इसका मतलब है

एक जर्रा बराबर भी टेंशन होती है रेंट देने की जर्रा बराबर टेंशन होती है खाने की उसको तो न्यूट्रिशन मिल रही है सिक्योरिटी उसको यानी सिक्योरिटी की धूप की सर्दी हाँ, की सब कुछ यानी <laughs> न्यूट्रिशंस की भी ब्रो, माँ माँ मा के डॉक्टर्स मुझे कॉलेज बता रही थी मुझे कि माँ की न्यूट्रिशन है कि बच्चे को ना लेते है। यानि, अच्छा जो भी समझ नहीं आती जिनकी औलाद होती है और वो इस प्रोसेस गुजरते हैं वो कैसे मानने जा सकते हैं हमें कैसे समझा रहे हैं अल्लाह हमें कैसे समझा रहे हैं कि उस बच्चे को कुछ पता नहीं है ही मैन उसको नहीं पता क्या हो रहा है ऑल यू नो पेन Which is, uh, यानी, जो माँ है वो ही सारी बेर कर रही है hmm. तो अल्लाह तला फरमा रहे हैं कि मेरे बंदो यू गर इग्नोरेंट लाइक दैट चाइल्ड यू हैव नो क्लू वोइंग ऑन ठीक है इतना कुछ देने के बावजूद यानी और अच्छा आउट यानी माँ जो भी ये कर रही है शी इज डूंगव Yes. ये की जैसे ही बच्चा mm -hmm. जब आता है इस दुनिया में तो वो उस पर रोब झाड़ती की मैंने तेरे लिए ये किया नहीं mm -hmm. नहीं, ना। ये नहीं है। उसकी मोहब्बत और बढ़ जाती है mm -hmm. तो सुबहान अल्लाह तला फरमा रहे हैं कि द लीस्ट यू कुड अंडरस्टैंड अर रमान look लुक एट दिस एग्जाम्पल

यानी इसमें एक्सट्रीम पाया जाता है और रहमान वो है जो शदीदुल अच्छा इसमें एक... मैं मिसाल देता हूँ उसकी एक ना बारिश होती है ना बारिश बारिश जब मूसलाधार बारिश होती है जैसे इट्स वो जो है ना उस बारिश को आप रहमान से तस्वीर दे लेंगे जब क्रेजी बारिश होनी जैसे वो आ, आ, बबल बर्स्ट बर्स्ट हो हो गया गया क्लाउड क्लाउड बर्स्ट हो गया ठीक है वो जो बारिश हो रही है ना इंटेंसिटी उसकी अगर वो देख लें आप लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं रहता

इस वक्त अल्लाह ताला रहमान है मतलब हाँ। अल्लाह ताला मतलब इस लम्हे जब हमारे पे ना इतनी मेहरबान है ना, पर, ना तो यार हम मतलब बंदा ना दो मिनट के लिए शर्म भी आती है हाँ। और इधर खुशी भी हो रही होती है एक तसली भी हो रही होती है बट अपने गुनाहों को याद करके बंदे को हमें तब शर्म आ रही है कि अल्लाह ताला इतना रहमान है और हम उसकी कदर अल्लाह का कदरी अल्लाह की कदर नहीं आ रही

बल्कि एक, बल्कि एक आता है जो आपने बताए थे ना मुसलम से पूछा गया अगर ग्लास पकड़ लेना ऐसे एक दिन के लिए हमें नींद गिलास गिर जाएगा अगर अल्लाह ताला को उंग भी ना ये जमीन आसमान तबाह हो जाता है हम भी साथ तबाह हो जाता है ना होते है कि देखें ये हमने पहली आयत पढ़ी है दूसरी आयत पढ़ी है तो बहुत सारे लोग इसको ना थोड़ा सा

<laughs> इसी तरह लोग जो है ना वो अल्लाह ताला की ये जो सिफत है ना इसको दे टेक इट फॉर ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड सही बात है लेकिन अल्लाह ताला भी अल्लाह है ना रब है अल्लाह ताला ने नेक्स्ट टाइम में बता दिया मालिक यौमिद्दीन अल्लाह हु अकबर उसको ये ना पूरी जो इक्वेशन है ना उसका बैलेंस कर दिया अल्लाह हु अकबर और ये हम जो बात कर रहे हैं रहमान की ये उसकी रहमानियत रह्म, के पूरे पार्ट्स भी नहीं है ब्रो एक पार्ट है है इस, इस, <laughs> इस दुनिया में जितना भी आपके साथ हो रही जो घोड़ा अपने बच्चों में नहीं रख रहा जो जानवर आपस में रहम करते हैं जो माँ का बच्चे का तालुक है सारी अल्लाह त हंड्रेड पार्ट ऑफ रहमत का एक हिस्सा है और नाइनटी नाइन हिस्से ब्रो

हम कहते हैं कि वो तो, तो मजबूरी है उसकी माफ करना उसे तो नेचर ही ये है तो मैं जितनी लोट मचाऊंगा मैं गुना बड़ा गफूर रहीम है यानी उसकी ये सिर्फ इसलिए थी कि मेरे बंदे तू तो अगर फिसल गया ना तो उससे गुना हो गए में या आ, 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 बगावत में किसी वजह से भी।, भी तो तू आ सकते आप मेरे पास तुझे डिसअपॉइंट नहीं होना शैतान तुझे धोखे में ना डाले कि तू बिल्कुल ही जो है ना बागी हो जाए और तेरे पास बैक डोर ना हो यू हैव दिस बैक बैक डोर यू कैन कम टू मी

the point was तुमने कुछ करना है अच्छा, पहला, एक, पहला पहला पहले पहला, तुम्हारी तरफ पहला से हो अच्छा मेरी बात सुनो ये दुआ है जो रब बनाते ना फिर दुनिया कंप्लीट करें आप जरा रब बनाते ना फिर दुनिया हसनत और फिर आखिरत हसना में वक्त रब बनना कितनी मारूफ दुआ है आप ज्यादातर लोगों से पूछे ना व्हाट इज द आया नेक्स्ट आफ्टर दैट आपको पता है क्या है उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू ये उन लोगों को उन लोगों के लिए तला दुआ कबूल करेंगे मिम्मा जिन्होंने इस दुनिया में स्ट्राइव किया है उन्होंने है। का सबू, उन्होंने हरकत हाँ। की ना सुभान अल्लाह फरमाया वो मालिक है युम मी एज दुनिया हाँ। में हो सकता है आई कैन ओन अ कार

अगर कोई शहर है कोई आ, मुल्क है तो तब हम कह सकते हैं कि आई एम द किंग ऑफ दैट सिटी आई एम द किंग ऑफ दैट सोसाइटी जो भी है अल्लाह ताला ने यहां पे सब कुछ कवर कर लिया माइक्रो लेवल पे भी आई एम दी ओनर, माइक्रो लेवल पे भी आई एम ओनर, उस दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे यानी माइक्रो लेवल पे बंदा कहेगा माली किताब सगीर रतन छोटी बात वला और, मैक्रो लेवल पे अल्लाह क्या कहेंगे यानी सारी जमीन उसके कंट्रोल में होगी और आसमान लिपटे होंगे Al कहा है Allah. तुम्हारे बादशाह तुम्हारे बेटे की इधर है प्रिंस की इधर है आइन उल जब्बारू यानी उस दिन ना इतनी ऑनरशिप होगी कि अल्लाह ताला पुकारेंगे आइनजारून मुतकबरू

इन अल्लाह शबिकल्ला ने हमें ये बताया है कि वो रहमान रहीम है ना इसको आगे मैं योम दिन अपनी जजमेंट से इसको बैलेंस किया है वॉट इज इट मीन कि अल्लाह त्यामत के दिन ना अपना अदल करेंगे किसी पे जुल्म नहीं करेंगे तो ऐट देट डे हमें अल्लाह ताला से दुआ यानी आज हमें क्या दुआ करना चाहिए

हर शख्स अल्लाह के एहसान अल्लाह की की रहमत वजह से तो जनत 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 जाएगा।, जाएगा साबन उचे आप भी वाहु वाहु आप तो कितने वो हैं कि रातों को तहज पड़े पाओ में आदमी पिछले माह लेकिन अल्लाह हदीस बात है रसोलम कहेंगे मुझे भी रहमत में ढांप लेगा और इसी वजह से मैं जन्नत में जाऊंगा यानी हर इंसान जन्नत में वजह जा रहा है और यानी इतना जो मालिक है ना इतना कमाल की है कि अल्लाह तला पहले ना ब्रो जब अल्लाह ताला अभी आए भी नहीं होंगे ना लोग चीख और चिल्ला रहे होंगे पुकार रहे तेरी वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ तेरी वजह से मैं जा रहा हूँ लेकिन वजा रबू का जब मलायका सफ आएंगे और हमरतुल अर्श भी आएंगे ब्रो लोग तो ये भी कहेंगे कि जब हमतुल अर्श आएंगे ना अर्श को उठाने वाले क्या ये हमारे रब है

तो पांच सवाल किए जाएंगे और जब तक जवाब कोई शख्स नहीं देगा तब तक कदम ही नहीं और किस, किस पास ने कपड़े पहने भी आ जाए ना किसी ना योल और यानी तुम्हारे खतने भी नहीं हुए होंगे

आखिर जो है ना वो जजा की जगह अमल की नहीं और ब्रो जो अल्लाह के दीन के लिए जरील हो गया ना वाला है। उस दिन वो इज्जत वाला होगा अल्लाह तब सब सबसे पहले जो कपड़े पहनाएंगे ना हदीस में आता है किसको पहनाएंगे इब्राहिम को क्यों अल्लाह के दीन के लिए बरहाना किया गया था आग में डालने से पहले और अल्लाह तला उस दिन इज्जत का कर लेको पहनाएंगे उस दिन ये नहीं हुआ कि मैं अपने कंधों पर क्या उठाऊँ क्या ना उठाऊँ उस दिन ना लोगों के कंधों पे जमीने और घोड़े और ऊन डाल दिया जाएगा जब इनको उठा के फेरो लोग चाहेंगे सीधा खड़ा हो सीधा नहीं मुंह के बल खड़े होंगे ब्रो, मुंह के बल खड़े होंगे, कुछ लोगों का साइज क्या होगा चूंटी के बराबर होंगे वो ये मुतकभीरीन मुतकभीरीन जो, जो दुनिया में बड़ा आगे गया हमारे आने से ना प्रोटोकॉल पता चले कि हम कोई आए हैं इनकी ना इनकी आवाज भी कोई नहीं सुन पाएगा लोग इनके पाओ के नीचे होंगे लोग

यानी जब से हम हमने होश संभाला है ना हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है जब है। तक हमारी सांसों में सांस है है exactly. मेरे हाथ खड़े हैं हैं आसान नहीं है इसीलिए ताला से again we are becoming humble, हम कहते अल्लाह उसके लिए वाईया हम आप ही सी मदद मांगते हैं आपकी बात बेबसी का लेकिन क्योंकि

वह अल्लाह से मदद मांगना अल्लाह से तोफी मांगना अल्लाह से सवाल करना ही से मदद मांगते हैं बड़े ज्यादा है। को पसंद है कि तू किसी और से मांग जाके ये जो लोग माफ करो मांगते हैं चादरें चढ़ाते हैं अल्लाह के अलिया से मांग की कदर है वो अल्लाह के बड़े नेक लोग थे जो खिलाफ बोले उसकी जबान बंद हो जाए लेकिन अल्लाह के अलावा उनसे मांगना ये फिर आप कैसे पढ़ते हो भैया कनास्ताइन हां अगर आप अल्लाह के औलिया से मांग रहे हो मीनिंगलेस हो गया ना आपके लिए फिर मीनिंगलेस हो गया फिर आप यानी अल्लाह की इबादत उससे नहीं कर रहे हो यार हमारे नबी ने क्या कहा है अगर फातिमा जो अहले बैत में से हैं ही इज सेइंग या फातिमा انقذي نفسك من यानी अपने आप को आग से बचाओ फनी ला हमारे नबी बता रहे जिगर आई लव यू वेरी मच लेकिन तू दुनिया में मुझसे जो मांगना है ना आई एम आई एम ऑल फॉर यू जो मांगना है लेकिन फिन्नी की मैन अल्लाह सैया क्या मत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा जिनका अल्लाह का इवन बता है जब हम लोगों से इंसानों से मदद मांगना किसी काम से आप कर सकते हैं बट अगर इफ यू स्टार्ट टू एक्सिवली किसी से मदद मांगे और थोड़ा सा

यानी साथ में बंदे भी होते होंगे और वो वो अल्लाह अकबर बंदे होते वो तो तो डाइंग कि कोई काम आए है बारे जो बारे बारे है यानी जो बयान करता ना आपको देखा की कैसर से मिला नजाशी से मिल रहा हूँ किसी के और सर्वेंट्स इतनी खिदमत किसी की नहीं करते जितनी सब मोहम्मद करते हैं इसको ना ये जो आप के ना। अपनी छड़ी के लिए भी और मदद मांगते हैं मतलब इसको ना वी शुड लाइक दो समझरलाइज करने की कोशिश करें कि नबी नबीम अपने छोटे से छोटे काम बिल्कुल बेसिक लेवल का काम तस्में के अगर अल्लाह से मदद मांग रहे हम दिन में अपने बड़े से बड़े काम के लिए अल्लाह ताला को याद भी करते हैं फॉरगेट अबाउट आस्किंग Mm. Do we even remember Allah subhanahu wa ta'ala mm. during moments when we actually when I actually need him? वो तो Bro, को तो तो को हम भूल ना, तो हमारे लिए बड़ी हमा... दूर की बात है इसको सिर्फ मैं no, बड़े no. कामों के लिए नहीं करते प्रैक्टिस ना कॉन्शियसलीबिट्स होती है ना आपको जब तक आप उसको जबरदस्ती अपने अंदर नहीं डालेंगे ना नहीं आएंगे इस तरह नहीं होगा हाँ यार कल से मैं करूंगा बस नो यू है

हम अल्लाह से नहीं मांगते और कितने कितने दिन गुजर जाते हैं और अल्लाह से सवाल अच्छा, नहीं करते सो मच सो कि यू नो आई ट्राई टू रिमाइंड माय सेल्फ एवरी नाउ एंड देन कि जब मैं पानी पी भी रहा होता हूं ना शदीद प्यास है पानी पी के ठीक है

हमने सुना था किसी को पुकारने ईमान ईमान लेके आए अब ईमान लेके आगे तो ना। मतलब माल अब रब हम कोशिश पूरी करेंगे इबादत करने में लेकिन अगर हमसे कमी को जाए ना एक ने मदद करनी है हमारी और हमारे गुनाहों को माफ करना है ये बिलीवर का एटीट्यूड होता है ऐसे नहीं कहा था ना कि उनसे सहाबी से

तो आपका पहला सवाल होगा यू नीड हेल्प इन व्हाट तुम्हें क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा अच्छा यार मेरा वो काम फंसा हुआ है अच्छा मेरी गाड़ी खराब हुई हुई है ये वो है यहाँ पे जब हम अल्लाह तरह से कह रहे हैं ना वही या कनस्ता है कि हम आप ही से मदद मांगते हैं इट इज एज एफ कि इतनी डिस्प्रेशन है द पर्सन इज हैंगिंग ऑन अ क्लिफ फॉर इंस्टेंस ठीक है होता क्या डेस्परेशन में

एक्चुअली हम लोग दुआ मांग रहे हैं ना ये बड़ी में मांग रहे हैं hmm. और सिचुएशन में हमें ये नहीं बताया क्या जा रहा है It is very profound. ताला तुम्हें दे रहे हैं तुम्हारे बिन मांगे अल्लाह तुम्हें औलाद दे रहे हैं अपनी तरफ से दे रहे हैं तुम्हें कपड़ा दे रहे हैं माल दे रहे हैं तुम्हारी फिजीक है सब कुछ तुम्हारे बिन मांगे तुम्हें दे दिए वह आता बिल्कुल नहीं मांग लेकिन अल्लाह हिदायत जो है ना हिदायत हाँ। हिदायत गाइडेंस नॉट ओनली अगर आप मुसलमान है तो आप समझ लें कि बाई मेरे मुझे हिदायत मिल गई नहीं आप हिदायत मांगेंगे तो अल्लाह आपको देंगे इट्स नॉट दैट चीप और इससे बड़ी ब्लेसिंग मतलब इंसान को सब कुछ है और हिदायत नहीं है नहीं है लूजर है लूजर है, लूजर है। और कुछ नहीं है ना और हिदायत है वो वो सीधे रास्ते ये ना मल्टीप्लाई हर इतनी बड़ी से बड़ी से इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई पे जीरो कर आंसर जीरो, जीरो, जीरो देखिए और वो जिस जात से मांगते हैं ना यानी अगर तो किसी छोटे मोटे से मांगे तो कुछ और मांग सकता है इंसान जब अल्लाह से मांग रहे हैं ना तो से फिर हिदायत ही सबसे चीज़ आपको आज आप, आप, आपकी हो 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 जाए जाए, ना, गए और आपके दस काम है। आप स, कौन सा काम मांगेंगे जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप यार ये मेरा काम करा और अल्लाह यार हर नमाज में हर वक्त में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे तो मांग रहे हो ना ले सकम इसलिए जैसे मांग रहे हो ना वो उस जैसा है भी कोई नहीं हल हलता उस जैसे कोई है तो उसे मांगो और मांगने में फिर हिदायत मांगो और फिर हिदायत भी यानी फिर अल्लाह ने एक्सप्लेन कर दी कि के सराज उल्लिन यानी जिनका रास्ता अनंत कौन है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ की इनका रास्ता पे चलना है इफ़ यू हिदा सिर्फ ये तुम तो चल रहे जस्टिन बीबी के रास्ते पे हो और इधना मुसलमान जो है मुसलमान यही चाह रहे मॉडल हमें

किन किन टाइप्स ऑफ कॉमों का था यहूद का जिक्र है नसारा का जिक्र है मतलब इन सारों की कॉमों का बता दिया। मतलब ये कहा ना, कुरान खुलासा इसलिए का गया कर ना, तो बता दिया कि किसको करना है और किसको फॉलो नहीं करना नहीं नहीं है करना। ये ना, अगर आपको बता ना, ऐसे बन जाओ तो आप शायद कुछ चीजें दूसरे वाले भी कर दो शायद क्या नहीं है करना यह नहीं बताओ जब ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं बनना को अगर देखे ना पहले आयात अल्लाह ताला का तारुफ कुरान का है अल्लाह तारुफ दूसरी जो दो, दो आयात हैं या कनाब वो अल्लाह तबूदिया के जोहीदर तोहिदे और आखिरी चीज़ी मकबूब उन उन कौमों का जिक्र फ़कूस और अल्लाह तुमने बता दिया कि फर्स्ट हुई आया अल्लाह के लिए फर्स्ट हुई आया अल्लाह त लिए वो तेरे लिए और बीच वाली जो है ना वो ये है कि क्या तूने अल्लाह को देना है और क्या अल्लाह से लेना है देना क्या है इबादत करनी है और लेना क्या है मदद लेनी है अल्लाह से सो ब्यूटीफुल यू नो एक छोटी सी चीज कि इबादत में कुछ लोग कभी कंफ्यूज हो गए सिर्फ नमाज रोजा हज हाँ, जकात को समझते इबादत इज अ वे ऑफ लाइफ

तो लेट्स टेक सम ऑफ़ द कमेंट्स और हम आज काफ़ी टाइम से अलहमद ऊपर चले गए हैं जाकिर खैर अली रजा कह रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी मेहनत अल्लाह कबूल फरमाए जाकिर खैर अली रजा मेरा ब्लेस यू ऑडियो स्टिल लैगिंग चलें इसको चेक कर लेंगे इंशाल्लाह ओके व्हाट टू डू व्हेन पीपल आर ट्रैप्ड एंड यू डिड बैड एंड दे अच्छा ये क्वेश्चन है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टू टू डू पीपल यू यू एंड सेड अल्लाह आप क्या जवाब देंगे के, और क्या है आपकी तकदीर में लिखा हुआ था क्या करना चाहिए उसके साथ यार एक तो ये है कि हमें अल्लाह जो तकदीर है उस पर हमें आ, ठीक है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ऐड कर सकते हैं बंदे को हमेशा आ, बी हम्बल कि अगर कोई तकलीफ आती है फॉर एग्जांपल अल्लाह तरफ से आजमाइश आती है तो बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए अल्लाह ताला वो हदीस में फरमाते हैं ना नबीम सा फरमाते हैं मोमिन को एक अगर कांटा भी चुप जाता है जिससे उसके दर्जात बुलंद होते हैं बिल्कुल तो ये है कि राधा देन बींगार ये क्यों हो रहा है तो अल्लाह तला की जो भी है

आप रिश्तेदारों से बात करके कोर्ट से लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई आप ऐसा चीज हो जाए जिसने कोई फॉर जिसनेगाम्पल आप गुजर रहे थे किसी ने आपके पत्थर गाड़ी में मार दिया नहीं अगर आपके वही बात है कि आपने अपनी तरफ से सारा कुछ कुछ ले रहे हैं, दे। दे। हैं उसके बाद भी कुछ हो जाता है और वो इसकी एक और जो आसान तरीके ना समझने का जैसे मुझे बड़ी आसानी होती है वो है कि हम जब मान लेते हैं कि अल्लाह ताला आलमीन है और वो मुझसे बहुत ज्यादा इल्म मतलब इल्म में बहुत आगे है ना तो ही नोज वट इज बेस्ट फॉर मी हर हाल में तो जो मेरे साथ हो रहा है ना वो मेरी अकल को अगर समझ नहीं आता तो कोई मसला नहीं अल्लाह ताला कि मेरे लिए इस मौके पे अच्छा सिस्टर के लिविंग एडिशंस ऊपर भी एक सेशन करें तो सजेस्ट, कैमरा चेंज करें, आता है हमारे बिजी है मोबाइल में हमारी मीडिया टीम कॉम्पिटेंट नहीं बहुत अच्छे लोग

आ, उन आ, के बारे में लिखने, लें टॉपिक्स के बारे में लिख लें जो आप चाहते हैं कि हम आने वाले लाउड क्लियर में इंशाल्लाह करें वो वो कह रहे हैं यू आर द बेस्ट माशाल्लाह हम हम भी यही कहते हैं। हम भी यही कहते हैं। आपने मेरे दिल की बात बोल दी है वो एक वो था यू गाइस आर द बेस्ट मैंने इसको हंस किया को कश्मीर भी आए कश्मीर कश्मीर आएंगे ए, अभी वेट करें अभी लाइव जाने के बाद में लैपटॉप अपने सामने रखा करूंगा अल्लाह हू अकबर ठीक है बॉयज इंशाल्लाह चलें आप लोगों ने जो कमेंट्स आ रहे हैं कुछ क्या आ रहे हैं बिदत पे करें कुछ का आ रहा है दुआ और दुआ पे करें कुछ लोग कह रहे हैं सूरह पे करें गुड सजेशन गुड सजेशन कुछ लोग कह रहे हैं जिहाद पे करें

वो गुनाह जो नेकियों को मिटा देते हैं और वो नेकियां जो गुनाहों को मिटा देती हैं उन पे इफेक्ट्स ऑफ हराम रिस्क हराम इनकम पे भी करेंगे किसी दिन hmm. hmm. <coughs> so uh, ग्यारह बजे से लेके uh, आगे चल रहा था inshallah. Inshallah, हमें जाके हमें जाना <laughs> सलाम जो है हमें इजाजत भी एक घंटे एक 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 से करे बने जिम जाना होता है अल्लाह